पनार से मुश्किल से 150-200 मीटर ऊपर चढ़ाऊंगा मैं। और जो यहाँ व्यू आ रहा है भाई, आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो। भाई साहब क्या खूबसूरत ट्रैक है ये, कसम से। मतलब जो हम लोग नीचे पुंग से और पनार तक की चढ़ाई चढ़े ना, 7.5-8 किलोमीटर, उसके बाद जो ये नज़ारा भी दिख रहा है, ये वर्थ है भाई। ये देखने के लिए तो हम लोग इतना चढ़े। हाँ, मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ रहा है भाई, दबा के मज़ा आ रहा है भाई, दबा के। आप लोग भी आओ रुद्रनाथ ट्रैक पे, मंदिर के दर्शन करो और इस सुहावने मौसम का आनंद लो। भाई अब आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे एकदम अच्छा सुंदर सा व्यू आता है, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो क्या नजारा है कसम से। मतलब रुद्रनाथ आ रहे हो तो ट्रैक में आफत आएगी भाई, बट जो नज़ारे देखने को मिलेंगे ना कसम से भाई, इनको देखने के भी अलग ही मजा है भाई। भाई ये ट्रैक ऐसा है ना, यहाँ मिनटों मिनट नज़ारे चेंज हो रहे हैं। अभी कोहरा छा रहा था और जैसे मैंने मोबाइल निकाला, बस इतनी देर में 7 से 8 सेकंड के अंदर बम बम बोले, पूरा का पूरा कोहरा फैल गया। देखो अब कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अभी का अपडेट ऐसा है कि हमारी जो 9 बंदों की टीम थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। सबसे आगे चल रहे हैं नवीन मुमराज, उसके बाद मैं चल रहा हूँ 2nd नंबर पे, और उसके बाद फिर जोशी और डिमरी भाई चल रहे हैं, और उसके बाद बाकी सुलोडी डोगा और राणा चल रहे हैं। उसके बाद मैं पिछले 1.5 किलोमीटर से कसम से अकेले चल रहा हूँ भाई इस ट्रैक पे, अकेले, एकदम अकेले। मेरे आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है, मतलब इस तो कोहरे में दिख नहीं रहा, पर यहाँ भी कोई नहीं है, और ऊपर इस रास्ते से ऊपर भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। और मैंने एक चीज़ महसूस किया है, जब हम ट्रैक करते हैं ना तो अगर आप अकेले छूट जाते हो ना तो आपको डर लगता है, पर मैं कसम से बता रहा भाई, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मेरे को जो शांति का अनुभव अभी महसूस हो रहा है ना, मैं व्लॉग बनाता हूँ बिना माइक के, तो आप मेरे और व्लॉग्स में शोरगुल ना नोटिस करना। और यहाँ देखो मेरी आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब, कुछ भी नहीं भाई, यहाँ एकदम सन्नाटा है। पर कसम से इस शांति में जो चलने का मजा आ रहा है ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। आज एक चीज़ हमारे साथ थोड़ा सा गलत कह सकते हैं उसको, क्या सीन हो गया ना कि पिछली बार जब हम रुद्रनाथ आए थे तो मौसम खुला था और सब कुछ दिख रहा था। आज क्या सीन हो गया यार कि मतलब हम आ तो रहे हैं पर सीन ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा जो है कोहरा लगा हुआ है, तो मतलब कुछ भी नज़ारे दिख नहीं रहे, इसलिए मैं भी ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा। वरना बीच में अभी 2-3 पॉइंट तो ऐसे छूट ही गए जहाँ मतलब मस्त मस्त नज़ारे दिखते हैं, मस्त मस्त नज़ारे। पर कोई नहीं, अब आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे आगे जाके। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ पितरधार, बस पितरधार में भी आपको अपडेट देता हूँ क्या क्या सीन है वहाँ का, कितने कितने लोग आ रखे हैं। तो दोस्तों फाइनली 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं पितरधार में। तो कैसा लग रहा है भाई आपको पितरधार? मज़ा आ रहा है इधर भाई, स्वाद थोड़ी पड़ गई बट स्वाद खाना है क्या, स्वाद आ रहा है, स्वाद आता है भाई। नहीं नहीं स्वाद सच में आता है भाई। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हमारे प्रकाश भाई पितरधार पहुँच गए, फोटो क्लिक कर रहे हैं, और ये हमारे महान ज्ञानी ज्ञानी पंडित पितरदेवों, जय पितरदेवों, बस तुम्हारी कृपा से हम पहुँच गए। 16 किलोमीटर है, अभी 4-5 किलोमीटर और चलो, बस हे प्रभु पितर देवता कृपा रखे, 5 किलोमीटर भी बस उत्तराखंडी भाई बने हो, हमारा अभिषेक राणा भेजी छे ना, यूँ तो लाइक सब्सक्राइब कर रही हूँ चैनल,
और खूब बड़ा हुआ रुद्रनाथ कृपा वाली तो बहुत अग्नि जाली ऊंचे न। सुन लिया भाई, तुम्हें भाई शराब पड़ेगा अगर तुमने सब सह नहीं क्या बीवी तो देख लो। हाँ तो पितृधार पहुँच कर आपको कैसा लग रहा है? निशब्द भाई, निशब्द होने वाला सीन तो है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। मतलब यहाँ पहुँच के मजा आ गया, ये हाईएस्ट पॉइंट है। वैसे मैं आपको दिखा सकता था कि मतलब हम कितने ऊपर बैठे हैं, बट कोहरा लगा है इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसलिए मेरी मुखड़ी देख लो भाई। बाकी यार सीन ऐसा है कि भाई आज दिखाने लायक कुछ खास है नहीं मेरे पास आप लोगों के लिए, पर फिर भी स्टिल मेरे को मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा। अब आपको सिर्फ दर्शन कराऊंगा मैं रुद्रनाथ मंदिर के, क्योंकि मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है, बाकी बीच में कुछ शॉट्स होंगे तो दिखाऊंगा आपको। वैसे तो मैंने कहा था कि सिनेमेटिक्स वगैरह लूंगा, पर भाई साहब यहाँ कोहरा ही इतना लगा हुआ है, कुछ भी लेने के लिए कोई हो ही नहीं रहा कहीं पर कोई सीन। बाकी बस यही सीन है भाई, बढ़ते रहेंगे आपको अपडेट देते रहेंगे, चलते रहेंगे हम तो। पितृधार पे 10-15 मिनट का रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं आगे रुद्रनाथ मंदिर की ओर। इसके बाद जो अगला हमारा थोड़ा सा स्टॉप होगा छोटा सा, वो होगा हमारा पंचधारा में। कहते हैं कि वहाँ पे 5 धाराएं बहा करती थी पानी की, उन 5 धाराओं का अपना अपना इंपॉर्टेंस था, पर आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी कि वहाँ पे एक ही मतलब एक ही छोटी सी धारा बहती है। अब पता नहीं वो भी है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ से जो है आगे का स्लोप बिल्कुल ऐसे डाउन सा है। मतलब अगर पूरी की पूरी मैं मतलब पूरे के पूरे ट्रैक की बात करूँ यहाँ से आगे की, तो वो डाउन ही माना जाएगा, बट वो है ऐसा डाउन अप। तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है हमें वहाँ पहुँचने में। अभी बज रही हैं ठीक 12:10 और हम निकले हैं अब पितृधार से रुद्रनाथ के लिए, और यहाँ से है मतलब लगभग 4.5 किलोमीटर का ट्रैक। अब देखते हैं इतने ये वाला ट्रैक कितनी देर में होता है, बाकी आगे आपको रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों पितृधार से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं पंचगंगा बुग्याल में। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का दृश्य कैसा है। एक तो कोहरा आने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कैप्चर तो कर ही लूंगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये है पंचगंगा बुग्याल, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे धूप लगी हुई है और उधर जो है बादल लगे हुए हैं, तो उधर छाया आ रही है। तो दोस्तों ये है वो पंचगंगा का धारा, जिसे कहते हैं कि पहले ये जो है 5 धाराएं हुआ करती थी, अब बस एक ये है और दूसरी वो है वहाँ पे, ये 2 हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी एक बोतल पानी भरी, भाई साहब पानी देखो ऐसे, ये बेली वाटर की बोतल भरा मैंने, ये देखो भाई एकदम ऐसे लग रहा है जैसे फ्रिज का पानी होगा, मतलब फ्रिज भी फेल है भाई पहाड़ों के सामने पे। तो भाई पहाड़ों में आओ, यहाँ का पानी इंजॉय करो, यहाँ का खाना इंजॉय करो, यहाँ की खूबसूरती को इंजॉय करो। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा है, कुल मिला के बात यह है कि मुझे तो सुकून मिल रहा है, एकदम सुकून, कसम से मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा। वैसे तो मैंने अपने पवाली काठा वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि गद्दी लोग जो हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पास रहती हैं 150, 200, 300, 500 भेड़ बकरियाँ, और उन्हीं को वो जो है बुग्यालों में चराते हैं, उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं। तो वैसे ही एक गद्दी अंकल जी हमें यहाँ भी दिख रहे हैं, ये देखो अभी वो उनको क्या है एक साथ ऊपर के ले जा रहे हैं, यहाँ ऊपर पे जाकर उनको सबको इकट्ठा कर देंगे, और ये हैं उनके भेड़ बकरी। मतलब अगर मैं अनुमान लगाऊं तो ये ऑलमोस्ट होंगे आपके 200 भाई, 200-250 तो बकरे हैं ये भाई, हाँ नहीं 1000 नहीं है भाई, ये 200-250 बकरे होंगे भाई, ये 200-250 बकरे होंगे, ये देखो मेरे पीछे। और अगर आपको कितना लगता है ये कमेंट करके आप बता सकते हैं, वो लोग जिन्होंने कभी ऐसी मतलब ऐसा सीन देखा है कि गद्दी लोग ऐसे ले आते हैं अपने भेड़ बकरे को, तो आप लोग बता सकते हैं कि आपको कितना लग रहा है ये अनुमानित तौर पे। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं उस पॉइंट पे जहां से रुद्रनाथ मंदिर दिख जाता है।